हाई फ्रेंड्स, वेलकम कर दियो तुहाडा सारा तुहाडे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मीत अकैडमी दे उत्ते। अज दी वीडियो तुहाडे वास्ते बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि अज दी इस वीडियो दे विच आपां गल करांगे टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब जिहड़ी कि पंजाब दे विच रीसेंटली आउट कर दित्ते गए हैं मई 2021 दे वास्ते, जिहदे विच हर एक क्वालिफिकेशन दे हिसाब नाल वैकेंसीज आउट कीते गए हैं। चाहे मैं 8वीं पास की गल करां, 10th पास की, 12th ग्रैजुएट, इवन डिप्लोमा वास्ते भी अलग अलग वैकेंसीज हैं जिहड़ियां आउट कीतियां गई हैं, तो पोस्ट ग्रैजुएशन वाले लिए अलग वैकेंसीज आई हुई हैं। सो कि नोटिफिकेशन है सारे मैं तुम्हें दसागी ब्रीफ के। अगर कुल पोस्टा की आप गल करिए 3800 के नियर अबाउट वैकेंसीज है जिन्होंने आउट कर दिता गया है। सो किमें अपलाई करना है वन बाय वन करके मैं तुम्हें दसागी हर एक नोटिफिकेशन का, कि नोटिफिकेशन वास्ते की एलिजिबिलिटी है, किदा तुम्हें अपलाई करना है। बाकी सारे लिंक मैं तुम्हें वैसे डिस्क्रिप्शन से दे दिते हैं, बट वो वास्ते उस तो भी पहला एलिजिबिलिटी समझना जरूरी है, ताकि बाद कोई डाउट ना रहे किस वैकेंसीज़ में तुम्हें किमें अपलाई करना है, की ये एलिजिबिलिटी रहने वाली है। सारा असं स्टैप बाय स्टैप इस वीडियो के कवर करांगे, ताकि सारे डाउट क्लीयर हो जाए, तो पता लग सके कि पोस्टा वास्ते एलिजिबल है, तो कि पोस्टा वास्ते जो अपलाई कर लेना है। सो अगर तुम फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हो, इस तरह चाहते हो पंजाब स्टेट की हर एक भर्ती की इनफॉर्मेशन थोड़े तक सब तो पहला पहुँच जाए, चाहे प्राइवेट वैकेंसीज होन, गवर्नमेंट हो, रैगूलर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जिहड़िया मर्जी वैकेंसीज होन, मीत अकैडमी चैनल हमेशा तुम्हें सब तो पहला ही प्रोवाइड करता है। तो चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस करो, इन्हां तुहानू हर एक नोटिफिकेशन टाइम ते ही मिल जूगा जद भी मैं तुहाडे वास्ते कोई नवी इनफॉर्मेशन लैके आवांगी। बाकी इस तो इलावा भी काफ़ी वैकेंसीज आई हुई हैं जिहड़े मैं अपनी ऑफिशियल साइट ते हुणे हुणे अपडेट करके आई हैं, www.kalori.com, जिहदा लिंक तुहानू इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के जाके मिल जूगा। उत्थे जी तुसीं इस तो इलावा जिहड़ी वैकेंसीज आई हुई हैं उहदी इनफॉर्मेशन भी लै सकदे आ। तो चलो ज़्यादा टाइम ना लैंदे आं, हुण आपां गल करांगे रिक्रूटमेंट की। जिदा कि तुहानू मैं दस्सिया 5 अलग अलग नोटिफिकेशन आए हुए हैं, सब तो पहला आपां स्टार्ट करांगे 5वें नंबर के नोटिफिकेशन तो, ताकि तुहानू पता लग सको कि नोटिफिकेशन की एलिजिबिलिटी किवें अपलाई करना। पहला 5वां नोटिफिकेशन डिस्कस करांगे, फिर 4th, 3rd एंड 2nd, फिर फस्ट नोटिफिकेशन डिस्कस करांगे। तुसीं देख सकते आप फस्ट नोटिफिकेशन के उत्ते आ चुके हैं, जिहड़ा PPSC ने अज बिल्कुल फ्रैश नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। एडवरटाइजमेंट नंबर की गल करिए 33 एडवरटाइजमेंट नंबर है, तुहानू पता 2021 दे विच काफ़ी वैकेंसीज आ चुकिया है, तो हुण ये नवा नोटिफिकेशन है जिहड़ा आउट किया गया है। बाकी इन्होंने कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को डिवाइड किया हुआ है, ये तुसीं अपने अकॉर्डिंगली चैक कर सकते हैं। ये जिहड़े PPSC ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किए हैं अज किते आ, एक नोटिफिकेशन नहीं हैगा, 6 से 7 नोटिफिकेशन आउट किए हैं, इन्होंने 1000 पोस्टा होर आउट कर दित्तियां आ। तो इहदे विच तुहाडी जिहड़ी सैलरी रहने वाली है 35,400 इनिशियल पे थोड़ा ये रहेगा। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है जिहड़ियां इन्होंने आउट कीतियां हुई हैं। ये इंपोर्टेंट गल है कि 10वीं थोड़ी पंजाबी सब्जेक्ट ना पास आउट होनी जरूरी है, या वो इक्वल इक्वल मतलब तुसी अगर कोई अलग जिहड़ा पेपर ये दिता हुआ है, तो भी तुसी जिहड़ा इहदे वास्ते अपलाई कर सकते हैं। तो जिहड़ी थोड़ी क्वालिफिकेशन है वो 30/4/2021 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए है, तो तुसी अपलाई कर सकते हैं। लास्ट डेट अपलाई करन दी जिहड़ी हैगी आ उह हैगी आ 26 मई 2021 तक तुसी अपलाई करने हैं। क्वालिफिकेशन की गल करिए, डिप्लोमा किया हुआ है इलैक्ट्रिकल दे विच, तां तुसी इन्हां वैकेंसीज दे वास्ते अप्लाई कर सकते हैं। इस तो इलावा जिहड़ी इन्होंने एज लिमिट दसी हुई है, घट्टो घट 18, वध तो वध 37 साल है, प्लस रिलैक्सेशन तुहानू इहदे विच दित्ता जाऊगा। अगर गल करिए सिलेक्शन प्रोसीजर की, थोड़ा इहदे विच रिटन एग्जाम होगा, उहदे विच थोड़ी जिहड़ी आ उहदे उसे बेसिस थोड़ी इहदे विच सिलेक्शन होने वाली है। जिहड़ा रिटन एग्जाम है वह June 2021 के नियर अबाउट हो जूगा, जो उन्होंने मैनशन किया हुआ है। तो ये जिम्मे मैं तुम्हें दसिया लास्ट तरीक अपलाई करने 26 मई 2021 है, फी भरन के वास्ते 19 मई 2021 जी एप्लीकेशन जी सबमिट करने वास्ते तरीक है। तो यह सारे नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन फी जी है वह अलग अलग कैटेगरी वाइज है, वो तुम नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जरूर एक बार देख लियो, वो अकॉर्डिंगली तुम इन्होंने वैकेंसीज वास्ते अपलाई करना है। ये जूनियर इंजीनियर की जी वैकेंसीज है, इन्होंने वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के आउट कीतियां हैं, PPSC के अंडर ये वैकेंसीज आउट कीतियां गई हैं, जिदे वास्ते अप्लाई करना शुरू हो चुका है। यह सीगा 5वां नोटिफिकेशन, हुण मैं तुहानू लै चलदी हां 4th नोटिफिकेशन के उत्ते, फिर उहदे बारे गल करदे किदां अप्लाई करना, की एलिजिबिलिटी रहने वाली है। हुण आपां आ चुके हैं 4th नोटिफिकेशन के उत्ते, जिहड़ा कि PSPCL दे वल्लों रीसेंटली आउट किया गया, मीनस पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वल्लों यह नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया, तो अपलाई करना भी शुरू हो गया। आखिरी तरीक अपलाई करने की हैगी 25 मई 2021 तक तुसीं जिहड़ा अपलाई कर सकते हैं। जिहड़े भी कैंडीडेट जिहड़े आ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, वह सारे के सारे कैंडीडेट अपलाई कर सकते हैं। तो यह भी इंपोर्टेंट गल है, जिहड़े भी नोटिफिकेशन तुहानू मैं दस रही हूँ, यह सारे के सारे ऑनलाइन है, कोई अदर मोड अपलाई करन दा नहीं हैगा। उस तो बाद
गल करते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ये थोड़ी उम्र घट्टो घट 18 साल है, तुम अपलाई करो, वो तो वह 37 साल है, प्लस रिलैक्सेशन मिल सकता है जेडे कि रिजर्व कैंडिडेट है उन्होंने। ये इन्होंने जीडिया पी एस पी सी एल वैकेंसीज आउट की गई हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज जीडिया 803 वैकेंसीज आउट की गई हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जी रिक्वायर्ड है वह है 8th पास। अगर कोई अदर कैंडिडेट अपलाई करना चाहते हैं जिमें 10th 12th एंड अदरस, वो भी ये वास्ते अपलाई कर सकते हैं, बट थानू कोई अदर बेनीफिट नहीं दिते जाएंगे बिकॉज मिनिमम जी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो 8th पास ही है। लाइनमैन अप्रेंटिस दी ये वैकेंसीज ने आउट की हैं, ये जी स्टैफन मिलेगा, ठीक है। तो ये वास्ते इस लिंक से क्लिक करके अपलाई कर लेना, इतने क्लिक करूँगे लेटैसट वैकेंसीज पंजाब दी चैक कर सकते जिहड़ियां इस तों इलावा आईया हुई हैं। दो नोटिफिकेशन आप डिस्कस कर लेते हैं, 5th और 4th। हुण आप चलते हैं 3rd नोटिफिकेशन दे उत्ते। हुण असी आ चुके हैं 3rd नोटिफिकेशन दे उत्ते, जिहदे विच आप गल कर रहे हैं, ये नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं पी एस टी सी एल ने आउट किया। पहला आप डिस्कस किया पी एस पी सी एल का, हूँ ये वाला जो नोटिफिकेशन है वह पी एस टी सी एल ने जोड़ा वो रिलीज़ किया है। ये लास्ट डेट अपलाई करने की हैगी 19 मई 2021 तक, वो इन्होंने वैकेंसीज तुम्हें अपलाई करने हैं। अलग अलग वैकेंसीज आउट की गई हर एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, जिमें पहली जी पोस्ट आउट की गई है एई दी है, मीनस असिस्टेंट इंजीनियर इलैक्ट्रिकल है, सिविल है, अकाउंट्स ऑफ ऑफिसर दी है, असिस्टेंट मैनेजर एच आर एंड असिस्टेंट मैनेजर आई टी दे विच वैकेंसीज है। ये जी उम्र हद है घट्टो घट 20 वो तो वह 37 प्लस रिलैक्सेशन तुम्हें दिता जा रहा। इस तो इलावा जी वैकेंसीज है ये वास्ते कोई भी कैंडिडेट अपलाई कर सकते हैं, जिम्मे एल डी सी या टाइपिस्ट की वैकेंसीज है, एल डी सी या अकाउंटेंट की है, टैलीफोन मकैनिक है, जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसीज है, जूनियर इंजीनियर कम्यूनीकेशन के वैकेंसीज है, तो अदरस के ये वास्ते अपलाई कर सकते हैं। एज लिमिट की गल करिए घट्टो घट 18 साल है, तुम अपलाई करो, वो तो वह जी 37 प्लस रिलैक्सेशन तुम्हें दिता जाएगा। हूँ गल करते हैं क्वालिफिकेशन वाइज वैकेंसीज की, तो इस तो इलावा जी पोस्ट वाइज क्या क्वालिफिकेशन है या नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है वो आप डिस्कस करते हैं। पहली जी पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर इलैक्ट्रिकल के है, 43 पोस्टा आउट की गई हैं। ये तुम्हें बी ई बी टैक या बी एस सी फुल टाइम डिग्री की हुई है सेम डिसिपलिन 60% मार्क्स के नाल, या फिर तुम इलैक्ट्रिकल या इलैक्ट्रॉनिक्स के भी की है तो भी तुम अपलाई कर सकते हैं। नैक्सट जी पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की 6 पोस्टा ने, ये वास्ते भी सेम क्वालिफिकेशन है बी ई बी टैक बी एस सी तुम्हें की हुई है बट सिविल दे विच, जिदा पहली पोस्ट इलैक्ट्रिकल दे विच है तो ये सिविल जो तुम की अपलाई कर सकते हैं। अकाउंट ऑफिसर दी 7 पोस्ट है, ये सी ए सी डबल्यू ए सी एम ए तुम किया अपलाई कर सकते हैं। अगली जी पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर एच आर दी है, 2 पोस्टा ने जिन्होंने एम बी ए पी जी डिपलोमा किया हुआ एच आर 60% मार्क्स ना वो सारे कैंडिडेट अपलाई कर सकते हैं। ये जी पोस्ट है ये अगर कोई इदा के कैंडिडेट है जेडे कि ऑलरेडी वर्किंग है पी एस पी सी एल या पी एस टी सी एल तो उन्हों को एम बी ए या फिर पी जी डिपलोमा हैगा वो भी इतने अपलाई कर सकते हैं। इस तो इलावा अगली पोस्ट हैगी है असिस्टेंट मैनेजर आई टी जिहड़े कैंडिडेट ने बी ई बी टैक बी एस सी सेम डिसिपलिन की अपलाई कर सकते हैं। डिविजनल अकाउंटेंट के लिए बी कॉम वाले अपलाई कर सकते हैं। इस तो बाद जूनियर इंजीनियर ते सब स्टेशन की वैकेंसीज है, जूनियर इंजीनियर ते सब स्टेशन 200 पोस्टा हैं, जिहड़े कैंडिडेट ने डिपलोमा किया हुआ है इलैक्ट्रिकल दे विच इलैक्ट्रॉनिक्स दे विच सारे कैंडिडेट अपलाई कर सकते हैं। उस तो बाद गल करते हैं ये थोड़ा पे स्केल जो एज पर नॉर्म्स रहेगा, 10वीं आई टी आई ग्रैजुएट जी कलर्क वैकेंसीज है वो वास्ते एनी ग्रैजुएट अपलाई कर सकते हैं, बाकी डिप्लोमा बी ई बी टैक जो मैं दस ही दिता। ये नोटिफिकेशन पहले डाउनलोड करके पढ़ना है तो फिर जाके अपलाई करना है, ये अपलाई करने का लिंक भी है नोटिफिकेशन का भी लिंक है। हूँ आप 3 नोटिफिकेशन डिस्कस कर लिया, हूँ चलते हैं 2nd तो फिर गल करेंगे 1st नोटिफिकेशन की। हुण तुसीं देख सकते हैं आप आ चुके हैं 2nd नोटिफिकेशन के उत्ते, इस तो बाद गल करेंगे 1st नोटिफिकेशन की। यह जो नोटिफिकेशन आउट किया है रेलवे मैट्रो ने किया है बहुत टाइम बाद किया है, ये सारे कैंडिडेट अपलाई कर सकते हैं, ईवन इंडिया के किसी भी स्टेट या सिटी के कैंडिडेट अपलाई कर सकते हैं, मुंडे कुड़िया दोनों एलिजिबल है, इस करके भी नोटिफिकेशन तुहानूं मैं दस रही हूँ। ये लास्ट डेट अपलाई करने की 30 जुलाई 2021 तक तुम अपलाई कर सकते हैं, किहड़े कैंडिडेट एलिजिबल है जो मैं तुहानूं ऑलरेडी दसदा सारे मुंडे कुड़िया अपलाई कर सकते हैं। ये अगर क्वालिफिकेशन की गल की जाए घट्टो घट 8वीं पास या 10वीं पास वाले अपलाई कर सकते हैं, अगर 12th पास वाले अपलाई करना चाहते हैं वो 10th बेसिस से कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की गल करिए सीधा ही है, कोई एग्जाम नहीं होना थोड़ा, ये क्वालिफिकेशन के मार्क्स के अकॉर्डिंगली जी मैरिट लगेगी उस बेसिस सिलेक्शन होने वाली है। ऑनलाइन तुम्हें अपलाई करना, कोई अदर मोड अपलाई करने का नहीं है। ये इन्होंने जो सैलरी है सैलरी नहीं कह सकते, स्टैफेंड है 9700 तक उन्होंने दिता जाएगा,
जिहड़ी पोस्टां आउट कीतियां गईयां जूनियर मैनेजर दियां आ एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव दी वैकेंसीज आउट कीतियां गईयां किसी वास्ते कोई भी फी भी तुहानूं इहदे विच पे नहीं करन दी जरूरत है। तो यह डिसिपलिन इन्होंने मैनशन किया कि वैकेंसीज आउट कीतियां गईयां ये नोटिफिकेशन है अप्लाई का लिंक है इत्थे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। हुण आपां चलते हैं फस्ट और लास्ट नोटिफिकेशन के उत्ते। हुण तुसीं देख सकते हैं आपां लास्ट और फस्ट नोटिफिकेशन के उत्ते आ चुके हैं। इस नोटिफिकेशन का बहुत सारे कैंडिडेट नूं डाउट है कि एक तो ज़्यादा पोस्ट लई अप्लाई कर सकते हैं या एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी इन्हां वैकेंसीज वास्ते की है, तो मैं तुहानूं स्टैप बाय स्टैप दसांगी ताकि सारे तुहाडे डाउट क्लीयर हो जाए क्योंकि मोस्ट अवेटिड वैकेंसीज है। पहला सपटेंबर के आईया से बट डिले हो गया सीगा, हुण अपनी जिहड़ी वैकेंसीज आ चुकी हैं। हुण मैं तुहानूं दसांगी किहदे वास्ते कौन एलिजिबल है। ये जिहड़ी वैकेंसीज है कोऑपरेटिव बैंक पंजाब दी आ, अप्लाई का लिंक एक्टिवेट हो चुका है, लास्ट डेट अप्लाई करन दी 10 मई 2021 ये वास्ते हैगी है। एडवरटाइजमेंट नंबर इन्होंने मैनशन नहीं किया बट 01/2021 ही तुसी मान सकते हो क्योंकि पहला ही नोटिफिकेशन है। और इस तो बाद वैकेंसीज की गल करिए, पहली जी पोस्ट है क्लर्क कम डेटा एंट्री ओपरेटर दी 739 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर दी 10 पोस्ट है, मैनेजर दी 60 है, सीनियर मैनेजर दी 40, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर दी 7 पोस्ट है। एज लिमिट सारे लिए सेम है 18 to 37 प्लस रिलैक्सेशन थानू दिता जाऊंगा। सैलरी की जो आप गल करिए ओवरऑल 19,900 तो स्टार्टिंग है, 35,400 पर मंथ सैलरी रहेगी। ये जिहड़ियां क्लर्कम डेटा एंट्री ओपरेटर दी वैकेंसीज है ये जिहड़ियां क्लर्कम डेटा एंट्री ओपरेटर दी 739 पोस्टां, स्टेनोग्राफर, मैनेजर, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ये चारों टाइप दी वैकेंसीज फ्रैशर लिए। सिर्फ और सिर्फ सीनियर मैनेजर की पोस्ट है जिहड़ी कि इन्होंने ये एक्सपीरियंस मंगया हुआ, बाकी सारे फ्रैशर वास्ते वैकेंसीज है जिहड़ियां आउट कीतियां गई हैं। उस तो बाद अप्लाई का लिंक है, ये नोटिफिकेशन PDF है, तुसीं डाउनलोड करके इहनूं पहलां रीड करना फिर तुसीं इहदे वास्ते अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर तुहाडा हजे भी कोई डाउट है कमेंट सैक्शन च पूछ सकते हैं। ये सारी नोटिफिकेशन जिहदे वास्ते जिहड़े सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ता करके मैं तुहानूं सारे एक वीडियो दस दिते हैं, लिंक सारे तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे दिते गए हैं। हुण आपां नैक्सट वीडियो नवी इनफॉर्मेशन नाल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।